हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो में। तो दोस्तों आज हम आपसे बात करने वाले हैं जो भी ड्यूल मोटर वाले स्प्रे पंप आते हैं उसकी वायरिंग के बारे में। तो दोस्तों यहां पर हमारे पास ये एक जो भी ड्यूल मोटर वाली स्प्रे पंप की मोटर है वो यहां पर है, जो कि 200 PSI वाली है। और हमारे पास एक ये उनको जो भी बैटरी आती है उसको चार्जिंग करने के लिए ये सॉकेट है। और यहाँ पर हमारे पास ये जो दो मोटर है उसको ऑन ऑफ करने के लिए स्विच दो है, और एक उसका जो वोल्ट मीटर, और ये हमारी मोटर पर जो भी लोड पड़ता है वो यहाँ पर दर्शाता है। और एक हमारे पास ये रेगुलेटर है। तो दोस्तों इस रेगुलेटर की बात करें तो ये दोस्तों हमारे जो भी ड्यूल मोटर आती है उसमें से जो भी एक मोटर है उस पर ही ये जो वर्क करेगा, दोनों पर एक साथ वर्क नहीं करेगा, क्योंकि दोनों पर करने जाएंगे तो जो दोनों मोटर है वो फुल स्टार्ट हो जाएगी। तो बारी बारी के से हम जो भी स्विच से ऑन ऑफ करते हैं वो नहीं होगी। तो इसीलिए दोस्तों जो रेगुलेटर की वायरिंग उसमें आती है वो एक ही मोटर पर हम कर सकते हैं। हमारे पास एक यहाँ पर हेमरॉन की 12x12 की बैटरी है। तो दोस्तों चलिए शुरू, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हमारे पास ये बैटरी के लगने वाले दो कनेक्शन है, तो उसमें से हम जो भी सारे वायरिंग में से रेड वाले कनेक्शन है वो उसको आपस में जोड़ लेते हैं, क्योंकि उसका जो कनेक्शन है वो डायरेक्ट ही रहता है मोटर के साथ। तो इसीलिए जो भी रेड वाले वायर है उसको हम आपस में कनेक्ट कर लेते हैं, एक रेगुलेटर में से रेड वाला, एक यहाँ पर सॉरी यह ग्रीन है, ये रेड वाला ले गए या वोल्ट मीटर का। एक हमारे पास ये जो चार्जिंग करने के लिए सॉकेट है उसका भी रेड वाला वायर ले गए। और हमारे पास जो ये दो मोटर है उसकी वायरिंग अलग अलग है, तो हम यहाँ पर इसको एक साथ कर लेंगे रेड वाले को, और एक साथ करके जो भी हमने एक इकट्ठे किए थे रेड वाले वायर उसके साथ कनेक्ट कर देंगे। और कनेक्ट करने के बाद अब टेप लगा देंगे ताकि जो शॉर्ट सर्किट है वो ना हो। तो दोस्तों जब भी आप वायरिंग करने जाए तो जो भी रेड वाले वायर आते हैं उसको आपको एक ही जगह पर लगा देना है, उसमें ना कोई स्विच आती है ना किसी का पावर उसमें कट होता है। तो दोस्तों जो भी हमारे रेड वाले वायर है यहाँ पर हमने एक ही जगह ले लिया है। अब हमारा बचा ये ब्लैक वाला वायर, तो अब उसका वायरिंग करने वाला है। तो दोस्तों ये जो वायर है वो हमारे बैटरी में से आता है, तो उसके साथ हम एक हमारे जो स्प्रे पंप के सॉकेट से ब्लैक वाले वायर है जो नेगेटिव पावर आता है वो उसके साथ जोड़ देंगे यहाँ पर ब्लैक वाले वायर पर, जो जिससे हमारी जो ये बैटरी है वो चार्ज होगी। एक हमारे यहाँ पर हमारे पास ये रेगुलेटर का वायर है, ताकि जब भी हम ये जो ये हमारा रेगुलेटर है वो घुमाएंगे तो जो हमारी जो मोटर है वो डायरेक्ट हम स्टार्ट हो जाएगी। इसमें इससे एक ही मोटर हमें स्टार्ट करना है और एक ही होगी, क्योंकि दोनों मोटर स्टार्ट करने जाएंगे तो स्विच से हम अलग अलग मोटर नहीं चला पाएंगे। तो दोस्तों इसी से हम एक ही मोटर चला पाएंगे, तो उसका हम यहाँ पर ब्लैक वाले के साथ ही डायरेक्ट वायरिंग कर देते हैं रेगुलेटर का, तो कि जब भी हम यहाँ से रेगुलेटर घुमाएं तो हमारी जो मोटर है वो डायरेक्ट ऑन हो जाए। और इसके बाद हमारे पास बचे ये दो स्विच, तो स्विच में से जो ये बीच वाले पॉइंट है उसका वायर हमें लेना है दोनों का, और दोनों का बीच वाला या वायर लेके उसको आपस में जोड़ देंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। तो उसका हमने यहाँ पर आपस में जोड़ लिया है, और उसका हमें यहाँ पर जो बैटरी में से ब्लैक वाले वायर आते हैं यहाँ पर ये ब्लैक वाले वायर है उससे उसके साथ जोड़ देना है दोनों को, इससे क्या होगा कि जो बैटरी में से पावर आएगा वो स्विच डायरेक्ट यहाँ पर ब्लैक वाले में से स्विच में जाएगा, दोनों स्विच में पावर जाएगा, और दोनों स्विच में से जाके जो हमारे स्प्रे पंप की मोटर जो मोटर में से जो भी वायर बचे उसके साथ ये दोनों अलग अलग लगने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले उसको टेप लगा देते हैं ताकि कोई बैटरी की खराबी या फिर रेगुलेटर ख़राब ना हो। तो दोस्तों यहाँ पर खास बात ये ध्यान रखनी है कि कोई शॉर्ट ना हो, शॉर्ट होने पर जो ये हमारा रेगुलेटर है वो फट जाता है, और यहाँ से जो ये कैपेसिटर है वो फटने से हमारा जो रेगुलेटर है वो ख़राब हो जाता है, और गलत वायरिंग करने पर भी हमारा जो रेगुलेटर है वो भी ख़राब हो सकता है। अगर आपने ब्लैक को रेड की जगह और रेड को ब्लैक की जगह लगा दिया तो भी ये कैपेसिटर है वो फट सकता है। तो आपको वायरिंग करते समय खास ध्यान रखनी है कि ये जो रेगुलेटर के तीन वायर है उसमें रेड वाले को रेड के साथ, ब्लैक वाले को ब्लैक के साथ, और ये मोटर के साथ लगेगा। तो रेगुलेटर में ये वायर है
वो काफ़ी जगह ग्रीन कलर का और जो ये ब्लू कलर का और पीले रंग का, इस तरह से तीन रंग के आते हैं हमारे पास। ये ब्लू कलर का है रेगुलेटर में, ज़्यादातर तो ग्रीन ही होते हैं लेकिन हमारे पास ये ब्लू है। तो अभी हम बात करते हैं जो भी हमारे मोटर में लगने वाले कनेक्शन के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले हम जो ये स्विच है उसका वायरिंग, हमारे जो मोटर में से बचे दो वायर ब्लैक का हो या फिर ग्रीन, दोनों का वायर हमारे पास है। एक अगली मोटर होगी एक पिछली वाली। तो दोस्तों यहाँ पर ख़ास बात ध्यान रखनी, अगर आपको रेगुलेटर पर वायरिंग, अगर रेगुलेटर पर ये मोटर चलानी है तो जो आगे वाली मोटर है वही रेगुलेटर पर चलाए, ताकि जो मोटर का प्रेशर है वो अच्छी तरह से बना रहेगा, क्योंकि उसमें से जो ये पानी है वो वापस नहीं जाने देंगे और अच्छी तरह से पानी यहाँ से खींचने वाला है। तो दोस्तों हम जो भी हमारी पहली मोटर है उसका यहाँ पर वायर देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये हमारी पहली मोटर का वायर है ये दोनों, तो उसका वायरिंग हम रेगुलेटर के साथ करने वाले हैं। तो दोस्तों उसका ब्लैक वायर लेंगे और हमारे पास ये रेगुलेटर का जो ब्लू वाला वायर था उसको आपस में जोड़ देंगे। तो दोस्तों ये पहली वाली मोटर है वो हमारे रेगुलेटर के जो हम कम या ज़्यादा उसको कर सकते हैं, और उसके साथ हमें एक स्विच लगानी है। तो कोई भी एक स्विच हम लगा सकते हैं, तो हमने एक स्विच का भी वायरिंग उसके साथ कर दिया है। तो दोस्तों इस तरह से यहाँ पर इसका वायरिंग हो गया, और हमारे पास एक वोल्टर मीटर का ये जो ग्रीन वायर है वो बचा है, तो उसको भी हम रेगुलेटर के साथ ही कनेक्ट कर देंगे। मैंने एक स्विच का वायरिंग कर लिया है। इस स्विच से क्या होगा कि अगर स्विच आप पाड़ोगे तो ये जो हमारी पहली मोटर है वो फुल चलेंगी, और अगर आपको कम करना है तो ये स्विच बंद करके आप इस रेगुलेटर को घुमाएंगे तो ये मोटर कम भी चलेगी। और दूसरा बचा है उसका भी हमको, या जो भी दूसरी मोटर वाले का जो ग्रीन कलर का वायर है यहाँ पर, ये उसको भी हमें आपस में जोड़ लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने पूरा का पूरा वायरिंग कर लिया है, तो अभी हम इसको बैटरी के साथ लगाने वाले हैं। लेकिन आप पहले आपको बता दें कि जो ये ब्लैक वाले वायर बैटरी में से आता है वो यहाँ से जो ये दो स्विच में जाएंगे, और एक हमारे ये जो स्प्रे पंप के सॉकेट है उसमें जाएगा, और एक हमने यहाँ पर रेगुलेटर है उसके साथ लगा दिया है ब्लैक वाले वायर को। वो जब भी हम रेगुलेटर स्टार्ट करें तो डायरेक्ट हमारी ये ड्यूल मोटर में से जो पहली मोटर है वो स्टार्ट होगी, और एक हमने दो यहाँ पर स्विच में लगा दिया, जब भी हम स्विच करेंगे तब भी ये मोटर हमारी फुल स्टार्ट होगी। रेड वाले वायर का तो आपको पता ही है कि उसका कनेक्शन जो भी है वो डायरेक्ट सीधा ही लगता है, किसी तरह का उसमें बीच में स्विच का कनेक्शन नहीं आता है। तो दोस्तों काफ़ी हमने स्प्रे पंप देखे, उसमें जो रेड वाले वायर है उसमें भी हमने स्विच लगाई हुई देखी है। अगर आपको लगाना चाहते हो तो आप उसमें लगा सकते हैं, जो भी यहाँ पर पावर कट के अगर ये स्विच है उसको यहाँ से जो भी दूसरी वाली मोटर है वहाँ पर ये स्विच लगाना चाहते हो तो भी आप लगा सकते हो। लेकिन यहाँ पर हम आपको आसानी रहे इसलिए इसमें ही बताने वाले हैं, क्योंकि रेड वाले कनेक्शन है वो डायरेक्ट ही लगते हैं। तो चलिए दोस्तों आपको स्टार्ट करके दिखाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने ये लगा दिया है कनेक्शन बैटरी के साथ। तो दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले तो रेगुलेटर चेक करते हैं कि सही से लगा है या फिर नहीं लगा है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी एक मोटर स्टार्ट हो गई है, अब देख सकते हैं यहाँ इंडिकेटर बता रहे हैं ये जो लोड है वो भी दर्शाता है, और बैटरी में से कितना पावर निकलता है वो भी दर्शाता है। अगर आपको इतनी रखनी है, अगर आप स्विच चलाएंगे तो जो भी रेगुलेटर में वायरिंग किया है उसकी स्विच तक है तो ये फुल होगी। ये अभी एक ही मोटर स्टार्ट है, अगर आपको दोनों स्टार्ट में चलाना है तो ये दोनों मोटर स्टार्ट हो गई, अभी दोनों को दोनों मोटर चल रहे, ये एक चल रही है ये हमारे रेगुलेटर पर। अगर आप रेगुलेटर बंद कर दे तो यहाँ बंद हो गई है, तो अभी हमने रेगुलेटर बंद कर दिया, अभी हमें दोनों मोटर साथ में चलाना है। तो यहाँ से इस तरह से दोनों मोटर स्टार्ट कर सकते हैं। पहली मोटर का ये दूसरी मोटर का, दोनों मोटर स्टार्ट हो गई है। तो दोस्तों इस जो भी ड्यूल मोटर वाले स्प्रे पंप आते हैं उसमें इतना ही वायरिंग रहता है,
एक बार फिर से बता दें कि जो रेड वाले कनेक्शन है वो सभी आपको डायरेक्ट करने हैं, उसमें किसी तरह के स्विच और किसी तरह का कनेक्शन नहीं लगाना है, डायरेक्ट सभी जो रेड वाले वायर है वो लगा देना है। बाद में बात रही ये ब्लैक वाले, जो भी बैटरी में से ब्लैक वाले वायर आते हैं उसका कनेक्शन एक हमारे सॉकेट पर लगेगा, एक हमारे यहाँ पर रेगुलेटर पर लगेगा और एक दो वायर यहाँ पर हमारे स्विच के लगेंगे ताकि हम स्विच से मोटर में पावर दे सकें इसीलिए। और स्विच में से बात करें तो जो भी एक स्विच का वायर है वो दूसरी मोटर पर लगेगा और एक स्विच का वायर पहली मोटर पर लगेगा। पहली मोटर पर जो हमें वायर लगाना है वो रेगुलेटर का लगाना है ताकि जो पानी खींचे वो अच्छी तरह से खींच सके, कम स्पीड पर भी अच्छा पानी खींच सके, इसलिए जो भी आपको रेगुलेटर लगाना है वो पहली मोटर पर भी लगाए। अगर स्विच से चालू करना है तो आप स्विच से भी चालू कर सकते हो और रेगुलेटर से चलाना चाहते हो तो रेगुलेटर से भी चला सकते हो। तो दोस्तों ये जो भी ड्यूल मोटर वाले स्प्रे पंप आते हैं उसका वायरिंग बस इतना ही है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर हमारे वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब हमारे चैनल को ज़रूर करें। तो थैंक यू दोस्तों।